सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वह सिख समुदाय के लोगों से मिले। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलवामा हमले पर सरकार पर कई वार किए। वहीं बैठक के पहले पुलवामा आतंकी हमलों को लेकर 2 मिनट का मौन भी रखा। हमने कहा कि रोकने के लिए और कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमारी सीमाएं हमारे देश का हमारे देश के सामने सबसे बड़ा सवाल गरीबी है। साथ ही साथ उन गरीबों को की शिक्षा न होना भी बड़ा सवाल है। अगर ऐसी जानकारी सरकार के पास है, मैं कहता हूँ कि अस्पताल कोई हो, कितना बड़ा भी हो अस्पताल, कोई भी नाम हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसी जानकारी है सरकार जांच कराए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। देश को बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, जवानों पर बुलेट प्रूफ जैकेट हो, ये ज्यादा जरूरी काम। सरकार को जनता में जाना है और जनता सरकार को हटाने के लिए इंतजार कर रही है। 25 साल समाजवादी सरकार में हुआ था, हम तो चाहते हैं कि और प्रदेशों की ये प्रदेश की सरकार ठीक है, जहाँ बड़े पैमाने में